गोरखपुर जिले के चौरी चौरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत शनिवार की देर रात भरतपुर गांव में स्थित देशी शराब की दुकान के मुनीब को डायल 112 पर गोली मारने की सूचना पर पुलिस सख्ते में आ गई थी, जबकि मौके पर पहुंची मुकामी पुलिस और सीओ चौरी चौरा दिनेश सिंह ने गोली चलने की सूचना से इनकार किया है। हालांकि मुनीब के सर में चोट लगी है जिसमें से खून भी निकला हुआ था। फिलहाल पुलिस अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई में जुट गई है और क्षेत्र के संदिग्धों से पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि चौरी चौरा थाना क्षेत्र के भरतपुर गांव में स्थित देशी शराब की दुकान के मुनीब को गोली मारकर घायल करने की सूचना डायल 112 पर एक व्यक्ति ने शनिवार की रात को 8:30 बजे के आसपास दिया। मुनीब को गोली मारने की सूचना के बाद मौके पर डायल 112 और चौरी चौरा थाना अध्यक्ष विजय कुमार व सीओ दिनेश कुमार सिंह ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की, जिसमें प्रथम दृष्टया मुनीब को गोली लगने की सूचना फर्जी निकली है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से दूरभाष पर बात करते हुए सीओ चौरी चौरा दिनेश सिंह ने बताया। सर कैसे फटा? सर वो लोग मारा है तो फटा सर। मैंने कैसे? डंडा से? डंडा से नहीं, पिस्टल ले कुछ लिया था ऐसे। पिस्टल था? हाँ, छोटा था, हथियार था, तान भी लिया था मेरे से। इधर से एक पेटी उठाए तो भागे हैं पूरा एकदम। मोबाइल गाड़ी से था? मोटरसाइकिल से था, बाइक से। चार आदमी? छह, पाँच छह आदमी था वो लोग। सब इधर गए था, उधर से मैं अकेला। इधर से कई मोटरसाइकिल से वही उल्टा सीधा काम है। कम से कम कल जब घटना स्थल पे चूंकि सेल्समैन द्वारा जो सूचना दी गई थी वो तो आपको पता ही होगा, उन्होंने 112 पे सूचना दिया था कि सेल्समैन को गोली मार दी है, घायल हो गया। तो उसके बाद पीआरबी मौके पे गई तो उन्होंने सेल्समैन ने कहा कि 3 पेटी शराब उठा ले गए हैं। उसके बाद वहां पे जब इंस्पेक्टर पहुंचे और एसएसआई पहुंचे, फोर्स पहुंचा, तो उन्होंने बताया 6 पेटी शराब उठा ले गया है। और फिर मैं भी पहुंचा तो वही 6 पेटी शराब की बात कर रहे थे, 6 पेटी शराब उठा ले गए, लूट ले गए। फिर जब उसका मिलान कराया गया पूरा उनका स्टॉक का, तो उनका पूरा स्टॉक मौजूद मिला। तो कहे कि साहब हम गिर गए थे, हड़बड़ा गए थे, वो लोग हमको मार दिए थे, इसलिए जो है मैं ऐसा कहा। और फिर मतलब उनके सर में चोट लगा था, वो दरवाजा जो था दरवाजे से शराब, वही शराब के बारे में, लेने देने के बारे में कुछ उनसे बातचीत हुई थी, और उसके बाद उनके सर में चोट लग गई थी सेल्समैन की। और ले जाकर के फिर पूछताछ भी हुई, दो एक आदमियों को रात में भी पूछताछ की गई और उनका फर्स्ट एड कराया गया। बाकी आज उनके जो मालिक हैं उसके मालिक को भी बुलाया गया था, उसमें सीसीटीवी कैमरा लगा नहीं है, उनका बता दिया गया सीसीटीवी कैमरा लगवाने के लिए। उनका मुकदमा 323-504 मुकदमा उनका तहरीर जो दिए है उस पर मुकदमा पंजीकृत किया गया, कार्रवाई की जा रही है। केस जो भी होगा, जो आएगा वो मतलब कार्रवाई होगी, बाकी और कोई ऐसी बात नहीं थी। सर ये घटना गंभीर ये है कि गोली चलने की बात अगर सनसनीखेज कहा गया है, पीआरबी पे रिकॉर्डेड है, मतलब 112 पे रिकॉर्डेड है, इसके समर्थन में कोई कार्रवाई कर रहे हैं? देखिए जो अब चूंकि पीड़ित है, पीड़ित ने सूचना दिया मोबाइल लेकर के, जिसके मतलब दुकान में, जिसके मकान में दुकान रखी गई है, वो शराब की दुकान चल रही है, उनका मोबाइल लेकर के पीड़ित द्वारा, सेल्समैन द्वारा चूंकि फोन किया गया है और उनको भी बुलाए थे आज, उनसे भी पूछताछ हुई, तो उन्होंने कहा कि साहब मेरा मोबाइल मांगे इन्होंने, मोबाइल से फोन इन्होंने किया था सेल्समैन ने। सेल्समैन ने ये कहा कि साहब उसमें मेरे सर में मार दिए थे चूंकि, और चोट लगी थी तो इसलिए मैं हड़बड़ा करके ऐसे मैंने सूचना दे दिया था। और पीआरवी पे तो टाइप सुधा होता है, वो ऐसा नहीं है, वो सूचना तो दिए थे लेकिन ऐसा कुछ नहीं, को गोली ना तो चली है, वहाँ जितने लोग थे वहाँ से पूछताछ हुई, ना गोली फायर हुआ है ना गोली उनके लगी है। इसमें सर कार्रवाई किसके खिलाफ हुआ है? अज्ञात में वो पहचानते नहीं, आज 8 आदमियों को अगल बगल के जो भी इस तरह से हैं उनको चिन्हित करके उठाया गया था, उनको ला करके सेल्समैन को पहचानवाया जा रहा है, चिन्हित किए जा रहे हैं, जो भी मतलब होंगे इस तरह से उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।